नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जॉब स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज है 11 अगस्त और आज की जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स जितनी भी बनती है हम यहाँ पे लेके आए हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आप इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अगर कर रहे हैं, चाहे वह NTPC, SSC, ग्रुप डी या UPSC या IBPS या LIC की एग्ज़ाम हो, या बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको 100% यहाँ पे राइट जो है वह करेंट अफेयर पर डे आपको प्रोवाइड कराती है, जो कि एनालिसिस करी हुई क्वेश्चन सारी रहती है। और फ्रेंड्स, मैं बता दूँ आपको, अपने इस यूट्यूब चैनल पे प्रत्येक दिन मॉर्निंग में 5 बजे जो है वह करेंट अफेयर का सेशन चलता है। प्लीज़ आप लोग आके ज़रूर देखा करें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो है, INS तस्कर जो 3 दिनों के लिए किस देश के दौरे पर गया है। INS तर्कस जो 3 दिनों के लिए किस देश के दौरे पर गया है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन देख सकते हैं, ए नॉर्वे, बी श्रीलंका, सी रूस, डी अमेरिका है। तो राइट आंसर इसकी जो होगी फ्रेंड्स वह नॉर्वे होगी, जो कि INS एक जो है वह नौसेना जहाज है तर्कस, जो कि 3 दिनों के लिए विदेशी दौरे पे गया है। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी ए जो कि नॉर्वे। नॉर्वे में जो है ये 3 दिन की जो है दौरे करेगी और फिर वापस आ जाएगी फ्रेंड्स। साथ ही अगर बता दूँ आपको कि ये जो अपना नौसेना स्टाफ के प्रमुख जो हैं वह एडमिरल करमबीर सिंह हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए रिसेप्शन की मेज़बानी की है, उसका क्या नाम रखा गया है। आपको बता दूँ, जो भी स्वतंत्रता सेनानी है, राष्ट्रपति ने उनके लिए एक जो है वो पार्टी रखी है, रिसेप्शन पार्टी रखी है, जो कि उसकी नाम क्या रखी गई फ्रेंड्स उस पार्टी की, वो आपको बतानी है। तो ऑप्शन देख सकते हैं, इसकी राइट आंसर जो होगी फ्रेंड्स वह एट होम हो जाएगी। एट होम नाम से जो है वह रिसेप्शन पार्टी रखी गई है, जो कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए रखी गई है। अगर बात करें वर्तमान में जो है भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति जो है वह रामनाथ कोविंद जी हैं। और फ्रेंड्स, इस रिसेप्शन के को जो है राष्ट्रपति भवन में मनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसे जो है 9 अगस्त को ही मनाया गया था, जो कि 77वीं वर्षगांठ के अवसर पर, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उसके 77वीं वर्षगांठ पर जो है यह पार्टी मनाया गया था, जो कि 9 अगस्त को हुआ था फ्रेंड्स। तो ये आपको ध्यान में रखनी होगी, और पूछी भी जा सकती है क्वेश्चन कि एट होम नामक रिसेप्शन पार्टी जो है कहाँ मनाया गया। तो आप कह सकते हो कि राष्ट्रपति भवन में मनाया गया। अगर ये भी पूछा जा सकता है किस दिन को मनाया गया, तो आप डेट बता सकते हो 9 अगस्त को मनाया गया। तो पूछा जा सकता है कि उस दिन क्या था, तो आप बता सकते हो कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो है वह 77वीं वर्षगांठ थी, उसी के अवसर पर यह आयोजन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतनी सारी आपको क्वेश्चन यहाँ से बनती है, आपको ये सारी क्वेश्चन याद रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस राज्य के वृक्षारोपण महाकुंभ अभियान ने जो है वह विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सही आपने देख लिया है कि किस राज्य के वृक्षारोपण महाकुंभ जो हुआ है तो उसमें विश्व रिकॉर्ड बना दिया गया है। तो इसकी राइट आंसर जो होगी फ्रेंड्स वह यूपी होगी। यूपी में वृक्षारोपण महाकुंभ अभियान जो है वह चला है, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। इसके तहत जो है 22 करोड़ से भी ज़्यादा जो है वह पेड़ रोपे गए हैं। और फ्रेंड्स, यह अभियान भारत छोड़ो आंदोलन के 77वें वर्षगांठ के अवसर पर शुरू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि 77वें वर्षगांठ जो है वह 9 अगस्त को मनाया गया है, और इसी के शुभ अवसर पर जो है ये वृक्षारोपण महाकुंभ की भी शुरुआत की गई है, जो कि 22 करोड़ से ज़्यादा जो है पेड़ लगा के यह एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया गया है। आपको बता दूं कि दुनिया में पौधों का सबसे बड़ा वितरक जो है वितरण का एक और रिकॉर्ड यूपी ने बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, जब
प्रयागराज में केवल 6 घंटे में 76,823 पौधे जो है मुफ्त में वितरित किया गया था। तो ये एक और जो है विश्व रिकॉर्ड कायम की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको बता दूँ कि यूपी के मुख्यमंत्री जो है वह योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल जो है वहाँ के आनंदीबेन पटेल हैं। तो ये इतनी सारी जो है महत्वपूर्ण फैक्ट जो है क्वेश्चन बनती है, वो आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देख ले फ्रेंड्स, विश्व आदिवासी दिवस पर KBIC ने कौन से मिशन लॉन्च किया है? तो आपको बताना है विश्व आदिवासी दिवस जो मनाया गया है तो KBIC ने कौन सा मिशन जो है लॉन्च किया है। तो आप आंसर इसमें देख सकते हैं, जो इसकी राइट आंसर जो होगी वह होगी लेदर, यानी कि सी नंबर इसकी राइट आंसर होगी। लेदर नाम से जो है मिशन लॉन्च किया गया है, जो कि विश्व आदिवासी दिवस के रूप के शुभ अवसर पर ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारत में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड कब तक शुरू किया जाएगा? तो आपको बताना है भारत में जो है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड कब तक शुरू किया जाएगा। तो ऑप्शन देख सकते हैं, 1 जून 2020, 2 मार्च 2021, 24 मार्च 2020 और 22 जून 2021। तो इसकी राइट आंसर जो हो जाएगी फ्रेंड्स वह 1 जून 2020 हो जाएगी। और बता दूँ आपको कि उपभोक्ता और खाद्य मंत्री जो है वर्तमान में भारत के कौन हैं, तो राम विलास पासवान जो हैं वह उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्री वर्तमान में भारत के हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट बनती है जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख लेते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में विधायक बने पहले भारतीय का नाम क्या है? ये जो है भारतीय मूल के हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में पहले विधायक बने हैं के रूप में उनका चयन हुआ है, तो उनका नाम क्या है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन देख सकते हैं, ए अर्जुन देशमुख, बी सुधीर चौधरी, सी दीपक राजगुप्ता, डी मोहित चौहान। तो इसकी राइट आंसर जो होगी फ्रेंड्स वह दीपक राजगुप्ता होगी, जो कि भारतीय मूल के हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में विधायक के रूप में चुनाव जो लड़े थे और उनको जो वहाँ पे चुना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष कौन बने हैं? आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो है वह अंतरिम अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है। तो ऑप्शन देख सकते हैं, राहुल गांधी, बी नंबर सोनिया गांधी, सी प्रियंका गांधी, डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो सबसे पहले अगर राहुल गांधी की बात करें फ्रेंड्स, तो ये जो है वर्तमान में थे, लेकिन इन्होंने जो 2 महीने पहले पद से जो है इस्तीफा दे दिया है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद से इस्तीफा दिया है। इसकी राइट आंसर जो होगी फ्रेंड्स वो बी नंबर हो जाएगी, जो कि सोनिया गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है वह अंतरिम अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया है। इन्हें अंतरिम अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें सोनिया गांधी की फ्रेंड्स, तो सोनिया गांधी जो है वह 1998 से जो है 2017 तक जो है, यानी कि 19 साल की जो है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो है अध्यक्ष के रूप में बने रहे हैं। और इन्होंने जो है दिसंबर 2017 में जो है वह इस्तीफा दिया था, और उसी समय जो है 2017 में दिसंबर में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था। आपको बता दूं डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है एक पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं अपने भारत देश के, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो है वह 1985 ईस्वी में हुई थी फ्रेंड्स, और इसकी स्थापना जो है वह एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बनती है इससे रिलेटेड, जो आपको बहुत महत्वपूर्ण होती है क्वेश्चन आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप ये सारे क्वेश्चन ज़रूर रिवीजन करें, अगर हो सके तो आप नोटबुक में भी नोट किया करें और उसे दोबारा से देखें। अगर नोट नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन घंटी ज़रूर प्रेस करिएगा।
ताकि इसी तरह की हर एक करेंट अफेयर के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।